एक स्टेप मांगे ना सामने जाकर यहां रेडी 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 फाइन चलिए अभी आप लोग चलो फिर सामने आगे से हट जाइए सामने करो रेडी सर टुवर्ड्स कैमरा रेडी बाउंड्री पासिंग है पासिंग नहीं है ना लेन से पासिंग ओके कैन यू गेट द कैमरा प्लीज कम दिस साइड ऑल कैमरा ले बैक तो रख देंगे यहां बैक लेके रख देंगे थोड़ा सा मैं ऐसा खड़ा हो जा कैमरा एक्शन ने आपकी तरफ देखा लो एक्नोलेज किया वन मोर कट इट वन मोर विंडो कट इट वन मोर वन साइलेंस प्लीज अब साइलेंस यार बहुत बात से हो रही है रेडी अरे बाबा इतुन दे इतुन का भी इतुन दे तो फिरून दा तो तुलसी से माला लाएगा अंत में डाक के हाथ पीछे ले खींच ले हां तो आगे ले फेरे की ले रहा हम कुछ फेरे लेना है अभी सब साथ में लेने हैं फेरे बिन फेरे की आउट 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 साथ में लेने फेरे अभी रेडी कैमरा बोले एक्शन पत्ते खेल रहा है उसका लुक गया आपकी तरफ वो देख रहा है आपको एक्नोलेज किया फन मोर करेक्ट ओके राजी हाँ कैमरा उधर लो कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि कहानी तब्बू की है ओवर ऑल तब्बूज़ मूवी एंड हाउ शी कम फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड बॉम्बे में रहती है और बियर बार लाइन में कैसे जाती है एंड क्या उसके साथ ट्रॉमास होता है किस तरह से वो बार के अंदर यू नो पूरा उसकी सब्जेक्ट है बेसिकली तो वो स्टोरी है आई डोंट वांट टू रिवील डिटेल सब्जेक्ट इसके बारे में वो क्या है? ये पहली बार तब्बू बॉम्बे में आई है और यहाँ पर जो कैरेक्टर है राजपाल यादव जो इकबाल भाई है वो उनको यहाँ पे लेके जा रहा है बॉम्बे में पहली बार घर दे रहा रहने के लिए तो वो एटमॉस्फेयर का शॉट हम लोग ने शूट किया आज लोग बस्ती में आने से डरते हैं आपने यहाँ पे पूरी फिल्मों की शूटिंग की इसलिए ऐसा क्यों नहीं मेरे को सेट लगाना नहीं था ये रियल बस्ती में आई वॉन्टेड टू शूट इट मैं नहीं चाहता था कि इसको हम कोई सेट लगाए ऑथेंटिसिटी मिस होती पिक्चर जो रियलिस्टिक पैटर्न की है तो वांटेड दैट थिंग टू मेंटेन इन इट मधुर जी आपने इस तरह की कहानी का चुनाव किया इसके पीछे कोई कारण मतलब आप क्यों इंस्पायर हुए नहीं इंस्पायर हुआ था क्योंकि मैं दो तीन बार बियर बार गया था तो मुझे एटमोसफियर अच्छा लगा वहाँ का तो आज तक किसी ने फिल्म बनाई नहीं है बियर बार की लड़कियों के ऊपर किस तरह से माहौल होता है एटमोसफियर होता है तो एम्बियंस बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ना इनके पीछे स्टोरी होनी चाहिए देयर शुड बी समथिंग ऑथेंटिसिटी एक रिलेशन होना चाहिए इनका कि हाउ दे कम टू द बार एंड हाउ दे आर things are working with them so that's the reason I wanted to make a film on it I was very passionate about doing this kind of film aapne jo main important character hai usme tabu ko le liya unke samne aap koi male star bhi le sakte the atul ko nahi mujhe chahiye tha ki ek gangster ka character chahiye tha to main chahta tha ki koi bada hero ki realistic pattern ki film thi to hum log chahte the ki isme lage ko real character hai bol ke जो पोतिया सावंत जिसने जो कैरेक्टर अतुल कुलकर्णी प्ले कर रहे हैं तो हम लोगों ने दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों ने कुछ 30-35 लड़के देखे थे उसके बाद हम लोगों ने अतुल को पिक किया कि ही वाज द राइट चॉइस फॉर द रोल पुटली ले लो मामा आए हैं ना कि एक आदमी दो आदमी बोले अब अकेले कर लिए पिक्चर है यू ब्लैक कैसा है तू चार्जिंग के लिए लगाओ ना यहाँ पर पकड़ो बैटर से ना एंग
लड़का देख रहा है उसको अंदर लेके जाओ जा देखे जाओ जा लेके बोलो बच्चा बच्चा बड़ा तो रखो मत वो देखता है ये फिल्म की कहानी तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ दंगे हुए और जिनमें जो भी परिवार उसमें सफ़र कर रहे थे तो उसमें ही एक मुमताज नाम की लड़की अपने मामू के साथ में वो भी उन दंगों से पीड़ित होती है और वो सीधे मुंबई की सरजमीन पे आ जाती है। और उसके बाद क्योंकि जो मुमताज का तब्बू जी कर रहे हैं वो उसमें मुमताज के जो मामू हैं वो मेरे जान पहचान के हैं और वो उस लड़की को लेके मेरे पास आ जाते हैं और मैं उस लड़की को चूँकि इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है वो एक दलाल आप कह सकते हैं जो चांदनी बार हैं या और सारी बार्स हैं जिसमें ये लड़कियां सप्लाई करता है नाचने के लिए जो बड़े बड़े लोगों को मनोरंजन करने के लिए तो ये बीच का आदमी आप कह सकते हैं। लेकिन इस कैरेक्टर की खासियत ये है कि ये वैसा दलाल नहीं है जो टपोरी टाइप के दलाल होते हैं, ये बिल्कुल एक हटके तो नहीं कहूँगा मैं कि, लेकिन कैरेक्टर ऐसा है कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एक बीच का ग्रे कैरेक्टर निकल गया। और इसमें मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे निर्देशक मधुर भंडारकर जी ने उसको सजाया है पब्लिक बहुत इंजॉय करेगी। तो ये कहानी पूरी तब्बू जी के ऊपर आधारित है, एक मुमताज नाम की लड़की के ऊपर आधारित है और जिसका शुरुआत और मध्यम और अंत कैसे होता है तो उसके बीच में क्या एक लड़की की यात्रा है और उस यात्रा को हम लोग पिलर हैं एक तरीके से उसे उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, एक लड़की कहानी को थ्री डायमेंशनल करने के लिए आप कह सकते हैं उसमें जो हमारी हम लोगों की भूमिकाएं हैं उसमें एक प्रमुख भूमिका मेरी है। नीचे गिनना नहीं चाहिए कोच जगह मानो हाँ ऐसा जगह बनाओ यहाँ पे जाकर।
कंगड़ा करो आगे वाले का, मारो क्या कुरैशी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खड़े खड़े बाहर गया, बाहर गया क्या? ये देखो ये आगे नहीं आ सकता, और पीछे था, और पीछे था, और पीछे मैगजीन देख, इस तरफ इस तरफ। आजा एक्शन। क्या कुरैशी भाई, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करो काटना। हेलो खड़े ओके ओके ओके।